गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड, दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ मॉरल साइंस, मीन्स हाफ ईयरली में जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसका ये लास्ट चैप्टर है, वोल्फ वोल्फ वैल्यू जो है इसमें लिखा है वैल्यू टॉट इज़ बीइंग ट्रूथफुल, मतलब हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक है। चैप्टर है, चैप्टर की रीडिंग करेंगे, आफ्टर दैट हम उस चैप्टर के बेसिस पे कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे लाइक क्वेश्चन आंसर्स और फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स लाइक दैट। ओके, लेट जस्ट स्टार्ट द रीडिंग। वंस देयर लिव्ड अ बॉय इन अ विलेज, वंस मीन्स एक बार एक विलेज में एक लड़का रहता था। वंस देयर लिव्ड अ बॉय इन अ विलेज, ही यूज्ड टू टेक हिज शीप फॉर ग्रेजिंग। ही यूज्ड टू टेक हिज शीप, शीप क्या होती हैं, भेड़। क्या होता था, वो अपनी भेड़ों को ग्रेजिंग, ग्रेजिंग को हिंदी में कहते हैं चराने ले जाता था, जैसे गाय और बकरियों को चराने लेके जाते हैं वैसे ही शीप को वो बॉय जो है वो चराने लेके जाता था। फॉर ही यूज टू टेक हिज शीप्स फॉर ग्रेजिंग। ही थॉट ही कुड फूल अदर्स बाय टेलिंग लाई, उसको ऐसा लगता है कि मैं दूसरों को झूठ बोल के उनको बेवकूफ़ बना सकता हूँ, मैं उनको फूल कर सकता हूँ। वन डे ही वॉज सिटिंग while his sheep were grazing, one day he was sitting, एक दिन वो बैठा होता है और सामने जो होती है उसकी sheep वो चरती होती हैं, the sheep were grazing, he decided to fool others for fun, वो अपने मज़े के लिए अपने फ़न के लिए वो सोचता है कि मैं चलो लोगों को उल्लू बनाता हूँ, उनको फूल बनाता हूँ, उनके साथ एक मज़ा, मतलब उनके साथ एक मजाक करता हूँ। he suddenly started shouting help help, वोल्फ वोल्फ, शाउटिंग मीन्स ही सडनली स्टार्टेड शाउटिंग, शाउटिंग मीन्स चिल्लाने लगता है, एंड सडनली मीन्स एकदम से। एवरी वन अराउंड हर्ड हिज क्राइज एंड केम टू हेल्प हिम, वेन द बॉय क्राइज हेल्प हेल्प, तो जितने भी आसपास के उसके विलेजर्स थे जो अपने भेड़ बकरियाँ चरा रहे थे वो उसका चिल्लाना सुनते हैं, एंड दे केम टू हेल्प हिम, और वो भाग के उसकी हेल्प करने आते हैं। दे आस्क्ड हिम वेयर इज़ द वोल्फ, वोल्फ कहाँ है, हैज़ द वोल्फ टेकन योर शीप, क्या वोल्फ तुम्हारे शीप को ले गई, तुम्हारी भेड़ों को ले गई। देयर इज़ नो वोल्फ, आई फूल्ड यू, जब वो परेशानी में, मतलब वो जो लोग होते हैं वो बेचारे भागते हुए आते हैं और वो उसे पूछते हैं कि वोल्फ किधर है, क्या वोल्फ तुम्हारी शीप ले गई, तो बॉय उनको आंसर करता है कि देर इज़ नो वोल्फ, आई फूल्ड यू, मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। दे गॉट एंग्री एंड सेड यू आर अ लायर एंड वेंट अवे, वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि यू आर अ लायर, तुम झूठे हो, और वो लोग अपने काम पे वापस चले जाते हैं। द बॉय गैदर्ड हिज शीप एंड वेंट होम, बॉय जो होता है उसको मज़ा आता है कि उसने लोगों को फूल बनाया, वो अपने शीप्स को इकट्ठा करता है और वो अपने घर चला जाता है। अ नेबर हैड ऑलरेडी टोल्ड हिज मदर अबाउट व्हाट ही डिड, उसकी एक नेबर होती है, नेबर मीन्स पड़ोसन या पड़ोसी, एक पड़ोसी होते हैं, उन्होंने उसकी मदर को पहले से ही बता दिया था कि ये आज क्या काम करके आया है। The mother was angry. उसकी मदर जो थी वो बहुत गुस्से में होती हैं। She asked his son, "Did you tell a lie today? क्या तुमने आज झूठ बोला है? Did you tell a lie today? No," said the boy. और वो साफ झूठ बोल देता है कि नहीं, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। The villagers were trying to trap me, he said. वो कहता है कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला, ये जो villagers हैं ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। They are trying to trap me. Trap का मतलब होता है फंसाना। The mother said, I know you are lying. Someday you will be in a trouble. The boy did not listen to his mother. Uski mother kehti hai ki mujhe pata hai tum jhoot bol rahe ho, you are lying. One day you will be in trouble. Ek din tum khud pareshani mein phans jaoge. Next, days went by. Din nikalte gaye. He again thought to play the same prank. He shouted, "Wolf, wolf, help, help." Some villagers did not pay attention while some took pity on him. अब सेकेंड टाइम जब वो वोल्फ वोल्फ और हेल्प हेल्प चिल्लाता है तो
तो कुछ विलेजर्स तो जो पिछली बार फंस गए थे उसके झांसे में, कुछ विलेजर्स तो नहीं जाते हैं, अटेंशन ही नहीं देते उसे, बट कुछ विलेजर्स जो होते हैं वो उस पर पिटी फील करते हैं, मतलब उन्हें उस पर बुरा लगता है। दे रीच देयर एंड फाउंड हिम लाफिंग, जो बचे हुए होते हैं वो उसके पास जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन वो देखते हैं द बॉय वॉज लाफिंग। दे वर वेरी एंग्री एंड वेंट अवे, वो लोग भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, वो वापस चले जाते हैं। दे टोल्ड द बॉय वन डे यू विल बी इन ट्रबल एंड नो वन विल कम टू हेल्प, द बॉय लाफ्ड। वो उसे कह के जाते हैं कि एक दिन तुम देखना तुम सच में परेशानी में होगे और कोई भी तुम्हारी हेल्प करने नहीं आएगा। और क्या होता है, जो लड़का होता है वो उनकी बातों पर हंसने लगता है। फ्यू मंथ्स पास्ट, वन डे द बॉय वॉज सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री वाइल हिज शीप वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सडनली अ वोल्फ कम फ्रॉम द फॉरेस्ट नियर बाय। क्या होता है, एक दिन हर दिन की तरह वो अपने शीप को ग्रेज करवाने के लिए लेके जाता है, तो उसकी शीप जो होती हैं वो चरती होती हैं और वो एक जगह पर बैठा होता है। क्या होता है, एकदम से वो देखता है कि एक फॉरेस्ट में से एक फॉक्स जो है वो उसकी तरफ को आ रहा है। द फॉक्स गॉट द बॉय गॉट स्केयर्ड, लड़का जो होता है वो डर जाता है। He did not know what to do. He shouted, "Wolf, wolf, please save my sheep. Please help and save my sheep." लड़का होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, "Wolf, wolf, help, help, मेरी हेल्प करो, मेरी भेड़ों को बचाओ." Everyone listened to his voice. अब वो रियलिटी में चिल्ला रहा था, रियलिटी में मतलब सच में वोल्फ आ गया था और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। सब लोगों को, अदर जो विलेजर्स थे वो उसको सुन पा रहे थे, लेकिन उसकी कोई हेल्प करने नहीं गया। नो वन बिलीव्ड हिम, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ कि इस बार सच में वोल्फ आया है। दे थॉट ही वॉज अगेन ट्राइंग टू फूल देम, उनको लगता है कि ये इस बार फिर से हमें बेवकूफ़ बना रहा है। द वोल्फ टुक अवे टू ऑफ हिज शीप, नाउ ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक बट इट वॉज टू लेट। क्या होता है, उसकी हेल्प करने कोई नहीं आता है, जो वोल्फ होती है वो उसकी दो शीप, दो भेड़ों को ले जाती, मीन्स खा जाती है, और बाद में उसको अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी है, लाइंग पुट्स पर्सन इन डिफ़िकल्टी, झूठ बोलना जो होता है वो लोगों को डिफ़िकल्टी में डाल देता है। ओके, इट्स अ नाइस चैप्टर। On the basis of the chapter, there are some exercises, वो हम करेंगे, वो आप लोगों को कॉपी में करना है और अपने एग्ज़ाम्स के लिए लर्न करना है।